Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about the most important topics for NEET 21. सबसे पहले हम बात करेंगे कि physics में कौन-कौन से topic बहुत ज़्यादा important है NEET 21 के लिए. बहुत कम days बचे हैं NEET 21 को. आपको already पता है कि most scoring chapters कौन-कौन से हैं. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से topics do or die topics हैं. मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनके बिना हमें नीट में बिल्कुल नहीं जाना है, ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट करके ही नीट में जाना है. टॉपिक्स को कंप्लीट करना, किसी कोई आपको जैसे बोलता है कि पूरा एक चैप्टर कवर कर लो तो आपको लगता है एक पूरा दिन लग जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसमें क्या है. इसीलिए मैंने एक लिस्ट बताई है टॉपिक्स की कि ये मिनिमम टॉपिक्स है, करना पूरा सिलेबस है, पर ये टॉपिक्स तो छोड़कर गलती से भी नहीं जाना है. अगर आपने इन्हें लीव कर दिया है तो टेक आउट सम टाइम एंड कंप्लीट दिस टॉपिक्स. तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें गलती से भी नीट 21 के लिए छोड़ के नहीं जाना है. ये टॉपिक्स मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर का एनालिसिस करके बताया है. मेनली नीट 2013 से नीट 20 तक देखा गया है कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें नहीं छोड़ना है. तो स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं हम. YDSE डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो है टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस आए गए हैं एग्जाम में. अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हर ईयर है ना, मतलब 11 क्वेश्चंस आए हैं नीट 2013 से लेकर नीट 2020 तक. देन बोहर्स मॉडल के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं है ना. इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूले 2-3 हैं, उन्हें आप अच्छे से कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा. डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस पर क्वेश्चन आता है. मतलब देखो ट्वेल्थ में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका हमेशा ही क्वेश्चन आता है, हर साल या फिर हर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आता है, उनमें से ही ये कुछ टॉपिक्स हैं. यूनिट एंड डायमेंशन में आपको डायमेंशनल फार्मूला आइडेंटिफाई करने को आता है, या फिर डायमेंशनल फार्मूला दिया होता है और आपको बताना होता है कि किस चीज़ का फार्मूला है. ये मोर और लेस हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें 3-4 फार्मूलेज हैं, उन्हीं पे बेस्ड मोर और लेस क्वेश्चन आ जाता है. रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ना. रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कभी सर्किट्स दे देते हैं, रेजिस्टेंस निकालना होता है, फिर ये जो टॉपिक है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉजिक गेट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट 2013 से लेकर नीट 2020 तक. इसके 9 क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो डू नॉट लीव लॉजिक गेट्स. एक बार समझ आ जाता है, ईजी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करता है. रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, टाइम पीरियड और वो सब निकालने को डेफिनेटली आता है. कैपेसिटर पे भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में नोट हुए हैं. फोटो इलेक्ट्रिक पीरियड, मतलब आपको समझ में आने लगा होगा कि जो ट्वेल्थ के चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस कुछ कुछ टॉपिक के तो कन्फर्म्ड हैं ही है ना. एक पोटेंशियोमीटर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है. मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए. ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आता है. 11th में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, दोनों में से किसी एक चीज़ का डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है. फ्रिक्शन के हर साल क्वेश्चन आया है, हर साल क्वेश्चन आता है फ्रिक्शन का. डॉपलर इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर दी नीट. अब लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेलीस्कोप एंड प्रिज्म. जो प्रिज्म है, टेलीस्कोप और प्रिज्म में से एक, दोनों में से एक का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. तो इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप बाकी सारे टॉपिक्स छोड़ दो, बाकी सारे चैप्टर्स छोड़ दो. इस वीडियो का ये पर्पस है कि इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. तो इन क्वेश्चंस को रिपीटेडली आप डेली सॉल्व करें, ताकि ये वाला टॉपिक में से अगर कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो वो आप गलत ना करें. अब अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री पर भी सेम ऐसा वीडियो बनाऊं कि केमिस्ट्री के क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है केमिस्ट्री का तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और वो टॉपिक्स आपसे मिस ना हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे नीट 21 के लिए. एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल नीट बायोलॉजी विद डॉक्टर प्रणाली, जिसमें आपको अपडेट्स आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स आते रहते हैं, एंड यू कैन इवन टेक माई फ्री क्लासेस ओवर देयर. And this Instagram account, Pranali1503, for more updates. Thank you, students.